वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्ले विद मैथ्स। आइए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम का टॉपिक। नंबर सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चे, और काफ़ी दिनों से बच्चों की डिमांड भी थी कि नंबर सिस्टम के टॉपिक पर कुछ आप क्लास लो सर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि अभी SSC CGL का रिजल्ट भी आ चुका है, प्री का 18 का। तो बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि सर प्री निकल गया है तो अब हम क्या करें, अब हम कहाँ क्लासेस ज्वाइन करें, कैसे प्रिपरेशन करें, सर हमारा प्री निकल गया। बच्चा, उन सारे बच्चों को हमारा एड्रेस है जो हमसे मिले भी हैं और जो हमसे नहीं भी मिले हैं, जिनका प्री क्वालिफाई हुआ वो पहले से मेंस की प्रिपरेशन में नहीं थे। तो मेरा अपना सजेशन है, जो अपना अनुभव है वो ये है कि अभी तो मैं आपको कभी भी नहीं कह सकता कि नहीं आप जाओ किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रिपरेशन के लिए लग जाओ और 20 दिन का टाइम बचा हुआ है कुछ कर लो। बच्चे, अभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, और 20 दिन में आप क्या कर लोगे, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी टीचर हो वो क्या आपको इतना ऐसा पढ़ा देगा 20 दिन में कि आप बेहतर कर जाओगे। मेरा मानना है कि जो अपना पुराना आपकी मेहनत थी, जो आपकी पुरानी प्रैक्टिस है, पुराने कंसेप्ट हैं, जो भी आपकी पुरानी मेहनत है वही आपके साथ इस समय खड़ी होगी। आप उसको रिवाइज़ कर लें बहुत मन लगा के अच्छे से। और वैसे भी इस YouTube पर बहुत से वीडियोस ऐसे पड़े हुए हैं, आप वहाँ से देखें, वहाँ से खोज लें। मैंने भी टाइम एंड डिस्टेंस पे कुछ अच्छे सवाल, प्रॉफिट लॉस पे कुछ भी अच्छे सवाल कराए हैं, और भी टॉपिक है, और भी बहुत कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्होंने ठीक ठाक करा रखा है। तो आप वहाँ से बल्कि कुछ ले लो, वहाँ से कुछ आपको मिले तो वहाँ से आप रीड कर लो, वहाँ से आप मैटर को कलेक्ट कर लो, वो मोर देन सफिशियंट आपके लिए होगा। और ख़ुद की प्रैक्टिस और थोड़ा रिवाइज़ और जो कंसेप्ट उसे रिवाइज़ कर लो। मेनली कंसेप्ट का ही गेम होता है, कंसेप्ट अगर क्लियर है तो स्टेटमेंट का गेम भी थोड़ा सा अर्थमेटिक में कभी कभी खेल लिया जाता है। कभी कभी क्या मैं बोलूँ तो लगभग मैक्सिमम टाइम अर्थमेटिक में स्टेटमेंट का ही गेम खेला जाता है। बट अगर कंसेप्ट की ग्रिपिंग अच्छी है और प्रैक्टिस अच्छी है तो आप अच्छा कर लेंगे। तो उन बच्चों को मैं यही बोलूँगा कि वो सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करें, उसी पर बिलीव भी करें, कहीं जाने की भटकने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट मत करें, बहुत कम समय। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे नंबर सिस्टम का पहला पार्ट। नंबर सिस्टम का पहला पार्ट जो स्टार्ट कर रहे हैं, वैसे नंबर सिस्टम लोगों को क्या समझ में आता है आई डोंट नो, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लेंदी टॉपिक है। नंबर सिस्टम का बच्चे ना ही कोई स्टार्ट है ना ही कोई एंड है। अगर कोई आपसे ये कह दे कि ये स्टार्ट है और ये एंड है, तो मेरे को तो नहीं लगता भाई कि इसका स्टार्ट यहाँ से और एंड यहाँ से, इसका कुछ भी नहीं, जितना पढ़ो उतना कम है। नंबर सिस्टम में कई टॉपिक आते हैं, धीरे धीरे हम हर टॉपिक को कवर करेंगे, और कितने टॉपिक कवर करना है मैं कभी सिलेबस में डिस्कस करूँगा, बता भी दूंगा। आज मैं डिस्कस नहीं कर रहा, बट आज मैं सिंप्लीफिकेशन और कैलकुलेशन, नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन। तो सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन का टॉपिक मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि एक नंबर सिस्टम का अहम टॉपिक है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम का जो ये टॉपिक है, यहाँ से आज से 4-5 साल पहले सवाल की संख्या बड़ी कम होती थी, लेकिन अभी ये 3-4-5 साल से ना एक बिल्कुल नया ट्रेंड हो गया है। नंबर सिस्टम के जो सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन का पार्ट है, वहाँ से अच्छे सवाल पुटअप किए जा रहे हैं। ऐसे ऐसे सवाल कभी कभार आ जाते हैं कि बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में पहली बार देख रहा होता है और घबरा के उसे छोड़ देता है, कर ही नहीं पाता है। सर्ट्स एंड इंडिसेस के सवाल कभी भी परीक्षा में देखने को बहुत रेयर मिलते थे, हालांकि सर्ट्स एंड इंडिसेस थोड़ा सा एलजेब्रा से टच कर जाता है। सर्ट्स एंड इंडिसेस इनडायरेक्टली एलजेब्रा ही है, ऐसा कह लो आप, मैक्सिमम केसेस में कह लो कि भाई अगर एलजेब्रा की अच्छी ग्रिपिंग नहीं होगी तो सर्ट्स एंड इंडिसेस पर अच्छी ग्रिपिंग आपकी नहीं भी हो सकती है। तो मैक्सिमम केस आपका एलजेब्रा से मैच कर जाता है, लेकिन फिर भी सर्ट्स एंड इंडिसेस से सवाल बड़े कम आते थे, लेकिन अब वहाँ से भी अच्छे पैटर्न के अच्छे सवाल बन रहे हैं, जहाँ विद्यार्थी कन्फ्यूज़ होकर गलतियाँ भी कर रहा है। तो मेरे भाई, मैं नंबर सिस्टम में सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन, मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ और उस पर मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस करूँगा, और वहाँ ढेर सारे सवाल बनते हैं। मैं कोशिश मेरी यही है कि नंबर सिस्टम का ईच एंड एवरी टॉपिक डिटेल अप्रोच में आपको पढ़ाएं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो जो आपसे छूट पाए, क्योंकि 7 से 8 या कभी कभी 8 से 9 सवाल के चांस हैं जो कमिंग आपका मेंस आ रहा है, CGL 2018 का मेंस आ रहा है, उसमें कम से कम 8 से 9 सवाल या 7 से 8 सवाल तुमको मिलेंगे। तो हो सकता हो कि बहुत हद तक मैं आपको हेल्प कराने में सक्सेस हो पाऊँ, वो तो डिपेंड करता है बच्चे कि तुम मेहनत कितना कर रहे हो और मैं कितना करा पाया आपको, दोनों के ऊपर मेहनत करता है, डिपेंड करता है बच्चा, ठीक है ना। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेहतरीन सवाल कर रहा हूँ, ऐसा सवाल
जो आज से कई साल पहले 2008 में देखा गया था और मेंस एग्ज़ाम में पूछा भी गया था और आगे भी कई बार पूछे गए हैं, लेकिन अब हमको उतना ईयर क्लियर नहीं बच्चे, लेकिन बहुत पहले ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुका है, तो नो डाउट आगे भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी मैं डिस्कस करने चल रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये सब सवाल आपको कभी भी देखने को मिलते नहीं हैं, बट एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे सवाल आपको बड़े नॉमिनल तरीके में कभी कभार इस मोड में आके दिख जाते हैं ना, कि मतलब लगता है कि पता नहीं क्या पूछ लिया। कभी आप देखते होंगे ना, आपको लगता है कि यार पता नहीं कहाँ सवाल आ गया, यार पता नहीं किस चैप्टर से लिंक कर रहा है, यार किस चैप्टर से पूछा गया है, समझ ही नहीं आता बड़ा सवाल है। तो आओ हम देखते हैं, बहुत ही बढ़िया लेवल का सवाल है बच्चे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक बॉल है जो किसी रेस्पेक्टेबल हाइट से गिराई जा रही है, गिरने के बाद जब बॉल फर्श पे टकराती है तो अपनी ओरिजिनल हाइट के हाफ हाइट तक जम करती है और इस प्रकार जम करते हुए बॉल एक स्थान पे जाके रुक जाती है। ध्यान से सुनना, एक रेस्पेक्टेबल हाइट मैंने मान लिया कि 200 मीटर की हाइट है, तो 200 मीटर की हाइट से एक बॉल गिरी और फर्श पे टकराने के बाद ओरिजिनल हाइट का हाफ हाइट जम करती है और इसी प्रकार जम करते हुए वो लास्ट तक चली जाती है, तो रुक जाने तक हाइट के अकॉर्डिंग जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस है वो क्या होगी। हाफ हाइट जम करती है और इसी प्रकार जम करते हुए आगे बढ़ जाती है, तो बॉल के रुक जाने तक इस हाइट के अकॉर्डिंग जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस है वो कितनी होगी। तो ध्यान से देखो, इसको हम दो तरीके से लगा सकते हैं। पहला तरीका तो मैं वो बता रहा हूँ जो कॉमन है, जो हम नहीं आप सब लोग समझ सकते थे, और थोड़ा सा भी दिमाग लगाते तो आपका काम बन जाता। जैसे ये बॉल 200 मीटर की हाइट से गिराई गई, इसका मतलब 200 मीटर तो बॉल चलेगी ही चलेगी, प्लस जब ये फर्श से टकराई तो ओरिजिनल हाइट का हाफ हाइट गई, तो 200 मीटर की हाइट थी, अगर हाफ हाइट जा रही है इसका मतलब 100 मीटर जा रही है, तो 100 मीटर ये गई है, तो बच्चा 100 मीटर गई तो 100 मीटर आई भी होगी, इसका मतलब अब 100 मीटर गई 100 मीटर आई, मतलब अब सब कुछ टू टाइम्स पे होगा। अब 100 का हाफ मतलब कितना होगा 50, तो 50 गई होगी 50 आई भी होगी, अब 50 का हाफ कितना होगा 25 गया होगा 25 आया होगा, ऐसे 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 इन्फिनिटी तक, भाई पता नहीं है तो हमने मान लिया इन्फिनिटी तक चली गई है। अब देखो ये 200 मीटर की हाइट तो ठीक है प्लस 2, ये जो बन देख रहे हैं आप, ये बच्चा एक सीरीज बन रही है जिसको हम बोलते हैं जीपी सीरीज, ये एक सीरीज बन रही है जिसे हम बोलते हैं जीपी सीरीज और हिंदी में बोलते हैं इसे गुणोत्तर श्रेणी। तो जो ये जीपी सीरीज है, जीपी सीरीज की पहचान क्या है कि आगे नंबर में पीछे नंबर से डिवाइड करो तो जो वैल्यू आती है उसे बोलते हैं कॉमन रेशियो, और ये कॉमन रेशियो हमेशा बराबर होता है। देखो 50/100 कितना आएगा हाफ, 25/50 कितना आएगा हाफ, तो हमेशा आगे नंबर में पीछे नंबर का भाग दो, जो वैल्यू आती है उसे बोलते हैं कॉमन रेशियो, और ये कॉमन रेशियो हमेशा क्या मिलेगा आपको बराबर। तो अगर इस तरह का कॉमन रेशियो इक्वल मिल रहा है तो इस तरह की सीरीज को हम जीपी सीरीज बोलते हैं। तो जीपी सीरीज का ये एडिशन है कहाँ तक, इन्फिनिटी टाइम्स तक। तो जीपी सीरीज के इन्फिनिटी टाइम्स तक का जो एडिशन का फॉर्मूला होता है वो ए अपॉन 1-r होता है। जीपी सीरीज का आपको शायद यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, इन्फिनिटी टाइम्स का जो फार्मूला होता है वो ए अपॉन 1-r होगा। तो इन्फिनिटी टाइम्स तक का एडिशन का फार्मूला ए अपॉन 1-r है, जिसमें ए जो है वो फर्स्ट टर्म है, ये जो आपका ए है वो फर्स्ट टर्म है, और ये जो आर है वो है कॉमन रेशियो। ठीक है, ये कॉमन रेशियो है। चलो भाई, इन्फिनिटी टाइम्स तक एडिशन का फार्मूला मेरे को मिल गया तो मैं अप्लाई कर लेता हूँ, घबराना मत, हमारे पास उन बच्चों के लिए भी अप्रोचेज हैं। ये तो हम मैथमेटिकल लॉजिक लेके चल रहे हैं, लेकिन मैथमेटिकल लॉजिक के अलावा इस क्वेश्चन में एक सीक्वेंस भी चल रहा है। अब ध्यान से देखो, पहले मैं इसे इस तरीके से सॉल्व कर लूँ, तो ए की वैल्यू कितनी है 100, चूँकि फर्स्ट टर्म है, डिवाइड बाई 1-r, आर की वैल्यू क्या, आर कॉमन रेशियो क्या आएगा 50/100 कितना आएगा हाफ। वैसे आप यहाँ पे डिवाइड ना करके ये जो फ्रैक्शन पार्ट देता है ना, हमेशा ये आर की वैल्यू ही होती है, हमेशा ये कॉमन रेशियो है, तो कॉमन रेशियो कितना है आपका हाफ, तो 1 में से हाफ जाएगा बच्चे कितना आएगा हाफ,
और हाफ में 2 ऊपर जाएगा कितना जाएगा 200, और 200 को दोगुना 400, और 400 का 200 कितना आ जाएगा 600। तो 600 मीटर तक जाएगी, रुक जाने तक यह बॉल 600 मीटर तक जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी, बहुत ही बढ़िया सवाल है। लेकिन बच्चे इसका एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका भी है। शॉर्टकट तरीका ये है कि बॉल कितने मीटर हाइट से गिराई गई, 200 मीटर की हाइट से गिराई गई, और कितने हाइट तक जंप कर रही है हाफ, तो जितने हाइट से गिराई गई है उसको आप लिख लें, और कितने हाइट तक जंप कर रही है हाफ हाइट जंप कर रही है, तो हाफ हाइट जा कर रही है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ध्यान दो कितना है 1 और 2, इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जोड़ दो कितना आएगा 3, और इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, सीधे सीधे आपको 600 मीटर आंसर मिल जाएगा। तो 200 और जो फ्रैक्शन पार्ट था उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जोड़ के आपने मल्टीप्लाई कर दिया 600 मीटर, एक लाइन में इजीली आपको आंसर मिल गया। तो बड़े आसान तरीके से हमने आंसर निकाल लिया। परीक्षा में जब भी ऐसे सवाल आ रहे होंगे तो बहुत ईजिली हम 200 × 3 600 मीटर आंसर बड़े आराम से कर ले रहे होंगे। ये था हमारा लॉजिकल अप्रोच, ये तो कंसेप्चुअल तरीका समझाना ज़रूरी ही था, लेकिन उसके साथ साथ ये इसका शॉर्टकट अप्रोच था। बच्चा इसके कुल 4 मॉडल के सवाल आते हैं, कुल इनके 4 मॉडल आते हैं, ये इसका पहला फॉर्मेट है। 4 तरीके से इस पैटर्न पर कुल 4 फॉर्मेट के सवाल आते हैं। दिस इज फर्स्ट पैटर्न क्वेश्चन। अभी 3 पैटर्न के क्वेश्चन इस पर हम और आपको डिस्कस करेंगे। इस पर अगर एक सवाल हम आपको और दे दें तो देखो क्या होगा, अगर इस पर हम एक सवाल और डिस्कस कर लें, चलो भाई एक क्वेश्चन हम इस पर और कर लेते हैं। अगर हम मान लें कि एक बॉल है जो 2/3 हाइट तक टकराने के बाद जंप करती है और गिराई जाती है, वो कितने हाइट से, मान लिया 300 मीटर की हाइट से। एक बॉल है जो 300 मीटर की हाइट से गिराई गई और टकराने के बाद ओरिजिनल हाइट के 2/3 हाइट तक वो जंप करती है, और इसी प्रकार जंप करते हुए चली जाती है, तो रुक जाने तक ट्रेवलिंग डिस्टेंस क्या होगा। तो चलो भाई हमारे पास तो ये लॉजिक है, शॉर्टकट तरीके से हम आंसर मार सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा, पहले हम आंसर ही देख लें। आंसर क्या होगा, 300 इंटू जितने हाइट तक जंप कर रही है उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जोड़ दो, 3, 2, 5, तो आप 5 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आएगा 1500 मीटर। हमारा आंसर हमें मिल चुका है, लेकिन एक बार हम प्रैक्टिकली प्रूव करके देख लें कि राइट है या रॉन्ग, एक बार कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हमारा और अच्छा हो जाएगा। बॉल 300 मीटर की हाइट से गिराई गई, भाई लिख लिया, उसके बाद जब फर्श पे टकराई तो ओरिजिनल हाइट का 2/3 हाइट जाती है, तो 300 का 2/3 करोगे तो कितना जाएगा 200, और 200 जाएगा 200 आएगा 2 times, अब 200 का 2/3 तो 400/3, 400/3 का 2/3 तो 800/9, इस प्रकार इन्फिनिटी तक चलेगी। देखो कितने अटपटे नंबर आने लगे, तो बेसिक कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको आगे फेस करना पड़ सकता है। अब देखो ये 300 तो रहेगा ही बच्चा, प्लस 2, इन्फिनिटी टाइम्स तक जीपी सीरीज के एडिशन का लॉजिक आपको पता है, ए फर्स्ट टर्म 200, और आपसे बोला गया 1 - r, r की वैल्यू कितनी है 2/3, तो 2/3, 1 में से 2/3 निकालोगे तो 1/3 ही आएगा। अब 1/3 में 3 जाएगा ऊपर 600, 600 का दुगुना 1200, अब 1200 में 300 कितना जाएगा 1500। तो भैया बड़े आराम से प्रैक्टिकली ये बात प्रूव हो गया कि डायरेक्ट हम एक लाइन में एक सेकेंड में आंसर निकाल सकते थे, जिस हाइट से गिराई गई जिस हाइट तक जंप की उसका मल्टीप्लाई करके उसका एडिशन करके मल्टीप्लाई कर दें, डायरेक्ट आपको आंसर मिल रहा होगा। तो या तो आप बेसिक से कर लें या तो आप शॉर्टकट अप्रोच अपना लें, ठीक है। तो एग्जामिनेशन हॉल में यही अप्रोच अपनाना है, बट लॉजिकल तरीका भी आपको पता होना चाहिए कि भाई कैसे हम कर रहे हैं। चलो ये तो रहा बच्चा इसका पहला फॉर्मेट, इसका दूसरा फॉर्मेट क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। इसका दूसरा फॉर्मेट थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा चेंजिंग है,
देख लेते हैं अच्छा इसका दूसरा फॉर्म क्या है। तो इसका दूसरा फॉर्म भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मान लें कि एक 400 मीटर की हाइट से गिराई गई और फर्श पर टकराने के बाद मान लिया 3/5 हाइट तक जम करती है। 400 मीटर तक की हाइट से गिराई गई और फर्श पर टकराने के बाद अपनी ओरिजिनल हाइट के 3/5 हाइट तक जम करती है और इसी प्रकार जम करते हुए आगे बढ़ जाए तो रुक जाने तक हाइट के अकॉर्डिंग कुल कितनी दूरी तय कर लेगी। चलो भाई करते हैं। तो यहाँ क्या था भाई 400, भाई पहली दफ़ा आएगी तो 400 चलेगी, उसके बाद 400 का 3/5, तो 400 का 3/5 ले जाओगे तो मेरे को लगता है भाई 240, क्योंकि 5/40 8^24 240 240 जाएगी, 240 आएगी, फिर 240 का 3/5 भाग आप फिर ले जाएंगे, तो 240 का 3/5 ले जाएंगे तो 5 से फिर भाग देंगे आप, ठीक है, तो 5 से भाग देंगे भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 5×20 और 5/40 48, तो 3/24 3×12 144 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा भाई, इन्फिनिटी तक जाएगा। चलो भाई कैलकुलेट अगर कर लें तो ये तो 400 हो गया बच्चा, ये तो 2 ही रहेगा, ये जीपी सीरीज है तो इन्फिनिटी टाइम्स तक एडिशन का फॉर्मूला ए क्या है, फर्स्ट टर्म 240 डिवाइड बाई 1 - r, r की वैल्यू क्या होगी, कॉमन रेशियो, आगे नंबर पीछे का डिवाइड, या r की वैल्यू हमेशा क्या होती है, जो ये फ्रैक्शन पार्ट है हमेशा r की वैल्यू आती है, तो 3/5 हो जाएगा, तो 1 में से 3/5 निकलेगा 2/5 होगा, तो 2 होगा बच्चे नीचे, देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन हम फास्ट कर रहे हैं, 1 में से 3/5 तो 2/5 होगा, 5 ऊपर जाएगा 2 नीचे रहेगा, तो 120 में 2 240 में 2 का डिवाइड 120 होगा, ऊपर 5 है तो 120 में 5 कितना होगा, 600, 600 को दूना 1200 और 1200 में 400, 1600 हमारा आंसर हो रहा है, तो 1600 मीटर जाएगी। अब लॉजिक क्या है, अब लॉजिक दो, मैंने क्या बोला था ये कितने मीटर से गिराई गई, 400 मीटर की, और कितने हाइट तक जंप कर रही है, 3/5, हमने क्या बोला था इसको जोड़ दें तो 5×3 8, उसका मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 32 आ रहा है, आंसर तो नहीं मिल रहा है, हमने बोला था ना कि फॉर्मेट सेकंड है, तो गौर करो इसमें और इसके पहले वाले सवाल में एक फ़र्क है, इसमें क्या है कि जो फ्रैक्शन पार्ट है इसके बीच में गैप है 2 का, इसके पहले वाले सवाल में तुम ध्यान देना तो 2 का गैप नहीं था, एक बार हाफ था 1 का गैप था, एक बार 2/3 लिखा था उसमें भी 1 का गैप था, मतलब जब गैप 1 का था तो कोई दिक्कत नहीं था, जोड़ के मल्टीप्लाई हमारा आंसर हो गया, लेकिन जब गैप 1 के अलावा 2, 3, 4, 5 आए तो जोड़ के मल्टीप्लाई तो करना है लेकिन जो गैप आ रहा है उसका डिवाइड करना है, डिवाइड तो वहाँ भी हो रहा था पहले वाले में भी हो रहा था लेकिन गैप 1 था ना तो 1 का डिवाइड कोई फर्क पड़ता नहीं था, इसका मतलब अगर गैप 1 है तो फ्रैक्शन वैल्यू को न्यूमरेटर न्यूमरेटर को जोड़ के सीधे मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा, बट अगर फ्रैक्शन 1 से अधिक है 2, 3, 4 तो इसको जोड़ के इसमें मल्टीप्लाई करो और जो डिफरेंस है उससे डिवाइड कर दो, तो डिफरेंस कितना है 2 का डिवाइड कर दो तो 2 से घटे कितना जाएगा 200 और 200 का 8×16 बात बराबर होगी भाई, तो बहुत ही मज़े में बहुत ही आसानी से आप इसका भी आंसर पा गए। चलो भाई एक क्वेश्चन बच्चा और कर लेते हैं, इस पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमारा और अच्छा हो जाएगा। चलो देख लेते हैं भाई, मान लो कोई बॉल है, अब मान लेते हैं कि भाई वो यहाँ पे हम कर लेते हैं 5/8 कर लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं भाई 400, ठीक है 5/8, या तो फिर कर लो आप यहाँ पे 5/8 मत करो, या तो आप यहाँ पे कर लो 1/3 और यहाँ पे कर लेते हैं 300, तो एक बॉल है जो 300 मीटर की हाइट से गिराई गई और 1/3 मतलब ओरिजिनल हाइट के, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ओरिजिनल हाइट के 33.33% हाइट तक जंप करती है और इसी प्रकार जंप करते हुए अंत तक चली जाती है, तो रुक जाने तक वो हाइट के अकॉर्डिंग कुल कितनी दूरी चलेगी। तो एक चीज़ ध्यान देना, वो बॉल कहाँ से गिराई गई, 300 मीटर की हाइट से, तो 300 प्लस
गिरने के बाद 1/3 गई, मतलब कितनी गई 100, तो 100 गई तो 100 आई भी। अब 100 का 1/3 तो 100/3, फिर इसका 100/3 का 100/3 का 1/3 तो 100/9, इसी प्रकार सीरीज बढ़ेगी इन्फिनिटी तक। अब ये 300 तो है ही प्लस 2, ये जीपी सीरीज का एडिशन है इन्फिनिटी टाइम्स तक। फार्मूला क्या है, ए कितना है बच्चा 100, 1/100 - 1 - r, 1 - r, r की वैल्यू कॉमन रेशियो क्या होगा 1/3 होगा, तो 1 में से 1/3 निकालेंगे तो 2/3 आएगा, तो 2 नीचे होगा 3 ऊपर होगा, 2 नीचे होगा कटे कितना आएगा 50, ऊपर क्या जाएगा भाई 3, तो 50 में 3 कितना 150, 150 को दूना कितना हो जाएगा 300, और 300 कितना हो जाएगा बच्चा 600, तो 600 मीटर हमारा आंसर आ रहा है। अब एक बार लॉजिकली देख लेते हैं, क्या लॉजिकली राइट है, चलो भाई लॉजिक क्या कहता है, जितने मीटर हाइट से गिराई गई वो लिख लो, कितने फ्रैक्शन पार्ट 1/3 इनको जोड़ दो कितना हो जाएगा 4, और डिवाइड बाई क्या करना है इसका डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना है 2, 2 से डिवाइड करें बच्चा यहाँ पे 4 है, 2 का 3 गुना कितना हो जाएगा 600 मीटर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात बिल्कुल भी समझ में आ गया होगा कि शॉर्टकट ये है कि जितने हाइट से गिराई रही है और जितने हाइट तक जंप कर रही है इसको जोड़ के मल्टीप्लाई करें, सीधे आंसर है कब, जब गैप क्या हो 1, लेकिन अगर गैप 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया तो जितने हाइट से गिराई गई उसमें इस फ्रैक्शन के एडिशन करके मल्टीप्लाई तो करें और जो डिफरेंस है उसका हम डिवाइड भी कर दें, कोई प्रॉब्लम भाई, उम्मीद करता हूँ कि कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी, आपको प्रॉपर बात समझ में आया होगा, हमने 2 फॉर्म सिखा दिया है, इसका हम तीसरा भी फॉर्म सीख लेते हैं। चलो इसका तीसरा फॉर्म क्या है बच्चा, चलो अब आपके सामने जो सवाल लिखा हुआ है ना इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब आप खुद ही बता दो कि 300 मीटर के हाइट से गिराई गई ओरिजिनल हाइट के 1/3 हाइट जंप करती है तो रुक जाने तक कितनी दूरी तय करती है 600 मीटर। तो हमने बोल दिया भाई कि एक बॉल है, आपको आंसर पता है 300, लेकिन हमने छिपा दिया, हमने बोला कि x फॉर्मेट x मीटर की हाइट से एक बॉल गिराई गई और ओरिजिनल हाइट के हाफ 1/3 हाइट तक जंप करती है और इसी प्रकार वो 600 मीटर की कुल दूरी तय करती है रुक जाने तक। तो बताइए x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, देखो ये सवाल का तीसरा फॉर्म है, अब की बार मैंने इसी को छिपा दिया है कि भाई x मीटर की हाइट से, इनका तीसरा वैरायटी ध्यान रखना, x मीटर की हाइट से गिराई गई ओरिजिनल हाइट के 1/3 हाइट तक जंप करती है और इसी प्रकार जंप करते हुए 600 मीटर की दूरी तय करती है रुक जाने तक, बताइए x का मान क्या होगा। तो ध्यान से समझें, ये दूरी निकालने के लिए आप x into, इनको जोड़ते थे 4, डिवाइड बाई इनका डिफरेंस 2 इज इक्वल टू कितना है 600, तो यहाँ से कटेगा 2 और ये हो जाएगा 300, इसका मतलब तुम्हारा आंसर कितना आ गया 300 मीटर। तो जो ये लॉजिक सीख रहे थे बच्चे वही लॉजिक तुमको यहाँ भी हेल्प कर रहा है, मतलब अगर इसे x कर दे और ये जर्नी दे दे और x का मान पूछे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर फार्मूले से कर रहे होते तो फार्मूले में थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो हो ही जाता, 1-2 स्टेप 3 स्टेप तो लेना ही पड़ता, थोड़ा सा कैसे शुरुआत करूं कैसे फिनिश करूं कैसे लगाऊं सोचना तो पड़ता ही पड़ता। तो बहुत ही प्रॉपर मैनर का सवाल है बच्चा। एक सवाल चलो इसमें और भी कर लेते हैं, चलो मान लें एक सवाल हम और क्रिएट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई एक बॉल है, वो एक बॉल है वो 400 मीटर की हाइट सॉरी x मीटर की हाइट से गिराई गई, ठीक है, और ओरिजिनल हाइट के 66.66% हाइट तक जंप करती है और इसी प्रकार जंप करते हुए वो अंत तक चली जाती है और रुक जाने तक कुल 2000 तक की दूरी तय करती है, अपने ओरिजिनल हाइट के 2/3 हाइट तक जाती है और रुक जाने तक कुल 2000 मीटर की दूरी तय करती है, बताइए कितने मीटर हाइट से बॉल गिराई गई थी,
सवाल है, x मीटर की हाइट से एक बॉल गिराई गई, ठकराने के बाद ओरिजिनल हाइट के 66.66% हाइट तक बॉल जम करती है, इसी प्रकार जम करते हुए अंत तक जाती है, तो रुक जाने तक बॉल कुल कितनी दूरी तय कर गई? 2000। बताइए x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा, x इंटू दो और तीन जोड़ दो कितना होगा, 5 इज इक्वल टू, क्यों, इनके बीच डिफरेंस कितना, 1, तो डिवाइड 1 करें, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ये किसके बराबर होगा, 2000 के। तो यहाँ से x निकालोगे तो हो जाएगा कितना, 400। तो जो x का मान आएगा बच्चे कितना आएगा, 400। जितना आसान तुमको ये सलूशन के बाद दिखने लगा उतना आसान बच्चे ये सवाल था नहीं। परीक्षा में पहली दफ़ा ये मिलता तो आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। तो हमने तीन फॉर्म कराए आपको, और तीनों फॉर्म में हमने एक फॉर्म के दो दो क्वेश्चन कराए। मैं फिर से रिकॉल करा दूं बच्चे, पहला फॉर्म था कि हाइट निश्चित हाइट से गिराई गई और फर्श पर टकराने के बाद ओरिजिनल हाइट के कुछ हाइट जम करी, तो फ्रैक्शन में गैप 1 था। दूसरा फॉर्मेट था फ्रैक्शन में गैप 1 से अधिक था, 2, 3, 4। तीसरा ये था कि हमने यहाँ पे एक्स कर दिया और ये दे दिया, पहले हम आपको ये देते थे ये पूछते थे, अब की बार जर्नी दे करके एक्स दे दिया ये पूछ लिया। तो तीन फॉर्मेट के सवाल मैंने कराए हैं, एक फॉर्मेट बच्चा और है जिसको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कर रहे होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें और लोगों को बताएं, लोगों तक पहुंचाएं वीडियो, क्योंकि बच्चे देखो ये जो वीडियोस हम बनाते हैं आपको, ये आप ही के लिए कर रहे हैं। आप अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दें कि इस तरह की वीडियोज़ को हम आगे कंटिन्यू करें या नहीं, बिकॉज कि नंबर सिस्टम बहुत वस्ट है, बहुत लेंदी है, इस तरह का टॉपिक नॉर्मली टीचर्स अवॉइड कर देते हैं। मैं सारे को तो नहीं बोलूँगा लेकिन मैक्सिमम टीचर्स अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि या तो उन्हें पता ही नहीं होता या तो पता भी होता तो वो शेयर भी नहीं करते, बिकॉज कि वो प्रॉब्लम ये है कि भाई या तो वो उनको पता ही नहीं है या तो वो शेयर इसलिए नहीं करते क्योंकि ये सवाल उनके माइंड में ये फिट हो गया है कि आता नहीं है। भैया मैं बार बार कह रहा हूँ कि आज से 3-4 साल पहले से नंबर सिस्टम पे बड़ा फोकस किया हुआ है, और ये ऐसे सवाल हैं जो आज से 2008-2009 में पूछे जा चुके हैं, तो आगे भी पूछे जाएंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बी अलर्ट, आप सावधान रहें, इस तरह के सवाल एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, पूछे भी जाएंगे। और नंबर सिस्टम और कैलकुलेशन में जो सिंप्लीफिकेशन का टाइप हमने उठाया है और कैलकुलेशन का नंबर सिस्टम में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही वास्ट, बहुत ही लेंदी है, अभी बहुत कुछ कराना है। मैंने तो आज एक पहला वीडियो शूट कर लिया, आखिर काफ़ी देर रात हो रही है, और ये वीडियो मैंने शूट इसलिए सिर्फ किया बिकॉज बहुत से बच्चे मिले मेंस के, अब वो बार बार हमसे पूछते रहे तो मैं कुछ कर तो नहीं पा रहा, लेकिन जो कर पा रहा वो नंबर सिस्टम मैंने इसलिए उठाया क्योंकि प्री के स्टूडेंटों के लिए हेल्पफुल है और मेंस के स्टूडेंटों के लिए कम से कम 8 से 9 सवाल का काम हो जाएगा। अगर नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट हम लोग कर ले गए तो 8 से 9 सवाल का काम बन जाएगा। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने नंबर सिस्टम को चुना है। तो ध्यान दे भाई, ये तीन फॉर्मेट बड़े आराम से पढ़ लेना, इसका जो लॉजिक है वो बहुत प्रॉपर है भाई, इसे ध्यान रखना। इसका जो चौथा फॉर्मेट है वो क्या है मैं बता दूं, नेक्स्ट वीडियो में मैं करूंगा कि एक बॉल है वो रेस्पेक्टेबल हाइट से गिराई गई और टकराने के बाद ओरिजिनल हाइट के कुछ हाइट तक जम करती है, तो बताओ रेस्पेक्टेबल जर्नी तय करने तक वो कितनी बार फर्श से टकराएगी। भाई बॉल गिराते हो ना तो फर्श टकराती है फिर जम करती है, फिर टकराती है फिर जम करती है, तो रेस्पेक्टेबल दूरी तय करने तक वो कितनी बार फर्श से बाउंस करेगी, मतलब कितनी बार फर्श से टकराएगी। बहुत तगड़ा मज़ेदार सवाल है, बढ़िया सवाल है। मैं आज इसलिए नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा हौच पौच ना हो जाए, क्योंकि एक बेहतर सवाल था, तीन फॉर्म कर लिया, इसका चौथा फॉर्म समझने के लिए आप इस तीनों फॉर्म को पहले ध्यान से पढ़ लें तो ही चौथा फॉर्म प्रॉपर मैनर में आपको समझ में आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा जीपी सीरीज का कंसेप्ट लग रहा था, थोड़ा जीपी सीरीज आप ध्यान से देख लें, आपके नंबर सिस्टम में जीपी सीरीज से अच्छे सवाल आते हैं और जीपी सीरीज का ही एक एप्लीकेशन था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप देखें, अपने कमेंट्स भी शेयर करें बच्चे, और ये वीडियो बहुत ढेर सारे लोगों तक पहुँचाएँ, बिल्कुल आग जैसा लगा दो, सबके पास ये पहुंच जाना चाहिए वीडियो, ठीक है ना, ताकि लोगों को लगे कि भाई नंबर सिस्टम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, नंबर सिस्टम में ऐसे सवाल भी आते हैं जो दिखाई तो नहीं देते बट डायरेक्ट एग्ज़ाम में मुलाकात इनसे होती है, फिर हम इसे छोड़ के चले आते हैं। तो
तो चलो मेरी कोशिश यही है कि कोई सवाल छूटे नहीं, ऐसे एक नहीं बहुत सवाल कराना है। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ, इस वीडियो पे आपका ढेर सारा प्यार मिलना चाहिए, ये मेरी अपनी उम्मीद है भाई। और नो डाउट आप बहुत प्यार देंगे और प्यार देते आए हैं आप सारे लोग। तो चलिए आज के लिए इतना ही करता हूँ, बेस्ट ऑफ लक आप सबके लिए जो कमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं मेंस देने के लिए, और बाकी लोग इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें। देन बाय एंड टेक केयर।